हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके बताने जा रहा हूँ कि सुपरस्टार पवन सिंह के पिता का कुछ बीतों दिन पहले निधन हो गया था। लेकिन खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच एक गाने को लेकर इतना तानातानी था, लेकिन उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव सारा मन मिटाव छोड़ के सुपरस्टार पवन सिंह से मिलने उनके गाँव जोकहरी पहुँचे। जी हाँ भैया, आपको बता दूँ कि खेसारी लाल यादव इंटरव्यू में आके खुलासा किए। जी हाँ, सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जिस दिन खेसारी लाल यादव पवन सिंह के गांव पहुंचे थे, उस दिन पवन सिंह वहां पे थे नहीं। जी हां, जोकहरी नहीं थे। आप बता दूं कि उसके बाद पवन सिंह के माता जी से मिले खेसारी लाल यादव और बोल रहे थे कि माता जी मुझे देखते ही मेरी ही माँ थी, पवन भैया की नहीं माँ, मेरी ही माँ थी। ऐसे बोले खेसारी लाल यादव, बोले कि मुझे देखते ही माता जी मेरे पास आ गई और गले लगा कर रोने लगी और मैं भी रोया। क्या करूँ, हम लोग एक लड़के हैं, गाड़ी दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, एरोप्लेन का इस सफ़र करा सके, देश विदेश घुमा सकते हैं, लेकिन जो एक पत्नी का श्रृंगार होता है, पति की तरह होता है, उस तो वो कोई नहीं दे पाएगा। खेसारी लाल यादव कहे कि मैं गया था, पवन भैया उस दिन नहीं थे, नहीं तो पवन भैया से मिलूं, जब चाहूं तब मैं पवन भैया से मिल सकता हूं। ऐसा कोई भी मन मिटाव नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मेरा मेन मकसद था अपने माँ से मिलने के लिए। जी हाँ, बोले कि मेरी माँ है, ऐसे बोल के खेसारी लाल यादव गए थे और उस दिन पूरे माँ से मिले, उनके भैया से मिले, उनके चाचा से मिले। आपको बता दूँ कि किसी काम के बस पवन सिंह उस दिन नहीं थे, लेकिन जब पवन सिंह को मिला कि खेसारी लाल यादव वहाँ पर आए थे, तो पवन सिंह ने कॉल करके खेसारी लाल यादव को धन्यवाद किया, बात की लोगों में। अब आपस की जो मंजी से मन मुटाव है सारा कुछ मिट गया है पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बीच, अब फिर से एक बार अच्छे दोस्त गए। आप लोग ऐसे ही मेरे खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।